कि सिंध नए वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल के सामने दीवार बन गए हैं। पुलिस अफसरान को सूबाई वजारत दाखिला के इजलासों में शिरकत से रोक दिया गया है। शिरकत करनी है तो तहरीरी इजाजतनामा हासिल करें। आईजी का फरमान। वजीर दाखिला सिंध ने रमजान सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास तलब किया था। इस इजलास में रमजान सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान को हतमी शक्ल दी जानी थी। सुहेल अनवर सियाल ने कल तमाम DIGs और आला पुलिस अफसरान का इजलास भी तलब कर लिया है। आईजी सिंध ने वजीर दाखिला को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी रोक दी है और वजीर दाखिला को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने से इनकार कर दिया है। आईजी सिंध के अहकाम पर सिंध पुलिस में खलबली मच गई, अफसरान परेशान हैं। आईजी सिंध नए वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल के सामने दीवार बन गए हैं। आईजी का फरमान है कि शिरकत करनी है तो तहरीरी इजाजतनामा हासिल किया जाए। पुलिस अफसरान को सूबाई वजारत दाखिला के इजलासों में शिरकत से रोक दिया गया है। शाहिद अंजुम नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। शाहिद अंजुम, बताइएगा कि आईजी सिंध के अहकाम पर सिंध पुलिस में खलबली मच गई है, अफसरान परेशान है, क्या कहना है अफसरान का? देखिए, ये तो जिस दिन से आईजी सिंध को सिंध हुकूमत ने हटाया था उसके बाद ही तमाम अफसरान जो हैं उनमें काफ़ी जो है वो परेशानी है। अफसरान का ये कहना है कि हमें ये नहीं मालूम हो रहा कि हम सिंध हुकूमत की बात माने या अपने आईजी की बात माने। वजीर दाखिला चूँकि उन्होंने कल जो है अपना वजारत दाखिला का जो कलमदान संभाला है उसके बाद आज उनकी तरफ से अहकाम जारी किए गए कि तमाम DIGs को जो है वो एक मीटिंग में बुलाया जाए ताकि रमजान आ रहा है उसकी वजह से सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक का जो प्लान है वो तरतीब दिया जाए, जिस पर जो है आईजी सिंध को इसमें तलब नहीं किया गया, तमाम DIGs को तलब किया गया। और दूसरी तरफ आईजी सिंध ने जो है वो अपने सरबराह होने का, पुलिस के सरबराह होने का फायदा उठाते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है जो कि वजीर दाखिला के इस्तेमाल में हमेशा से रहती है उसको रोक लिया है। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई काम है तो उसके लिए तहरीरी लेटर लिखा जाए, उसके बगैर जो है अहकाम नहीं माने जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अंजुम, आपने हमें अपडेट किया। आईजी सिंध नए वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल के सामने दीवार बन गए हैं।